आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक होमवर्क दिया गया था, डिस्कस कर लेते हैं। फिर आज हम लोग कंसाइनमेंट सीख गए, आज बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ से एक एक बच्चा बोलते चलेगा, ये पानी पी ली, ये बोलेगी ऐसे, यहाँ से गुड़िया लोग ओवर होगा, भाई लोग, फिर वैसे फर्स्ट दो बेंच बच जाएगा। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 15,000, राइट है। टू बैंक 1,000, टू डीसीसी नहीं था क्या? राइट है। थोड़ा थोड़ा नरेशन लिखते जाना, थोड़ा थोड़ा। कितना? स्माइल दे रहा है छोरा। हाँ तो क्या किस्मत लेके आया बेटा, दैट्स गुड। नेक्स्ट, भाई कहते तुम्हारा किस्मत नहीं है। वाह जिया रानी, ग्रेट, खत्म हो गया। या ना कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नॉर्मल लॉस के बारे में सिखाए थे क्या? देखो तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं, एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, और कुछ एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। लिख लेना, लिख लेना, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। आईपी में दिखाएंगे तो फिर लोडिंग वगैरह हटाना पड़ेगा, कॉस्ट पे दिखाएंगे। इंश्योरेंस वाले क्या आईपी पे क्लेम देंगे ना कॉस्ट पे देंगे? कॉस्ट पे। ज़िंदगी में कभी भी इंश्योरेंस वाले आईपी पे नहीं देंगे, नहीं तो फिर बायू क्या करेगा पता है? एक दुकान खोलेगा, 1 लाख का साड़ी खरीदेगा। कितने का साड़ी का दुकान? अरे साड़ी का दुकान, दुकान में साड़ी नहीं। और कैसे करेगा सुनो ना, और उसका एमआरपी लगा देगा 10 लाख, और आग लगा देगा। इंश्योरेंस वाले को बोले हाँ 10 लाख दो। तो जिंदगी में ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये अभी मैं इंटर में नेक्स्ट वीक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस क्लेम, वहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। उनको भी ऐसे ही बोलता हूँ, वहाँ पे जो जो थोड़ा सा वायु टाइप के जो स्टूडेंट है उन्हीं के नाम से। तो कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं देता है इंश्योरेंस वाले, सेलिंग प्राइस दे तो दुकानदार क्या करेगा मालूम है? माल नहीं बिक रहा है बेटा, जला दे, बेच के तो पैसा मिलेगा नहीं, जला के कमाई भी हो जाएगा। सो इंश्योरेंस क्लेम इज ऑलवेज इट कॉस्ट। अब बेटा देखते हैं, शुरू करते हैं इतने दिनों के बाद कंसाइनमेंट।
P3 अरनाज रानी शुरू करूं। P3 प्रॉब्लम 3 ऑन 1st जनवरी 2017 लीला एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर टू सीला एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे। तो बेटा यहाँ पे लीला एंड कंपनी कंसाइनर हो गया, बोलो बेटा, लिखो लिखो लिखो, लीला एंड कंपनी कंसाइनर, और 100 केसेस भेजा, किसको भेजा बेटा, सीला एंड कंपनी, तो क्या हो जाएगा, कंसाइनी एजेंट। और कंसाइनमेंट में ना एक भी अब नया पॉइंट नहीं मिलेगा, पूरा सीख चुके हो। सिर्फ ओवर राइडिंग कमीशन हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाएंगे आप लोग को, और चैप्टर ही खत्म बेटा। सो एजेंट के घर में 4 एंट्री है, अब एकदम मस्ती से आप लोग को सम्स करना है। गुड्स वेयर चार्ज एट प्रोफॉर्मा इनवॉइस वैल्यू ऑफ 10,000, ये आईपी है 10,000, प्रोफॉर्मा इनवॉइस 10,000, प्रॉफिट है 1/4 ऑन आईपी, 1/4 ऑन आईपी, लोडिंग है 1/4 ऑन आईपी, कभी सीपी में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/3। कंसाइनमेंट का हर एक सम में आप लोग को लोडिंग मिलेगा जहाँ आईपी है, लोडिंग है 1/4 ऑन आईपी, 10,000 इनवॉइस वैल्यू, 10,000 रुपया क्या है बेटा, इनवॉइस वैल्यू, और इसमें प्रॉफिट है 1/4 ऑन आईपी, कितना होता है 1/4 देखो ना, 10,000 पे 10,000 आईपी है, 2,500 लोडिंग है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 आईपी है, 2,500 लोडिंग है, तो कॉस्ट हो जाएगा 7,500। ग्रेट, मस्त। इसलिए नोट्स पढ़ना बेटा, नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना। ऑन सेम डेट कंसाइनर पेड 600 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, माल भेजा, खर्चा भी करेंगे। ऑन 1st जुलाई कंसाइनी पेड इंपोर्ट ड्यूटी, डॉग ड्यूज, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेंट टू कंसाइनर अ बैंक ड्राफ्ट 4,000 एडवांस दिया। ऑन 1st अगस्त दे सोल्ड 80 केसेस, 80 माल बेच दिया, कितना माल भेजा था बेटा, ऊपर था ना 100, कितना बेच दिया 80, एंड रेमिटेंस फॉर बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 5% अंडरलाइन। सो कंसाइनमेंट अकाउंट सीला एंड कंपनी इन द बुक्स ऑफ लीला एंड कंपनी, कंसाइनमेंट पूछा है और सीला एंड कंपनी, तो इन द बुक्स ऑफ लीला एंड कंपनी, दो लेजर मांगा है सीला एंड कंपनी का और लीला एंड कंपनी का, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट और एजेंट अकाउंट मांगा है ना बेटा। इस चैप्टर में दो अच्छे वर्किंग नोट होते हैं, एक कमीशन का, ये तो आसान है, 5% ऑफ सेल, और एक स्टॉक वैल्यूएशन है ना बेटा, स्टॉक वैल्यूएशन। तो हमेशा मैं दो वर्किंग नोट को पहले कर लेता हूँ, फिर सम सोल्व करता हूँ। वर्किंग नोट नॉर्मली आप सॉल्यूशन के नीचे करते हैं, आप ऊपर भी कर दो तो भी राइट है, आप सॉल्यूशन के बीच में कर दो तो भी राइट है, एवरीवेयर फुल मार्क्स है। 11, 12 में बीकॉम में डरा देते लोग, इधर लिखेगा मार्क्स काटेगा, उधर लिखेगा मार्क्स काटेगा, यहाँ इधर उधर लिखने का मार्क्स नहीं मिलता, नॉलेज का मार्क्स मिलता है, अब कहीं भी लिख दो आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा लगता है ऊपर सॉल्यूशन नीचे वर्किंग, बट आपका जैसे दिमाग काम करे, आपको जो अच्छा लगता वैसे लिखना, तो हमेशा कोशिश करना ऊपर सॉल्यूशन नीचे वर्किंग, बाकी का आपका जैसे मर्जी कर लेना। फुल मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं काट सकता ऋषिका का, अरीत को भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसको अकाउंट्स अच्छा लगने लगा है। ओके, तो बेटा वर्किंग नोट करूँगा, कमीशन का तो वर्किंग नोट करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो एक ही लाइन पे हो जाता है ना बेटा, एक बता दो 5% ऑफ 10,500, तो इसमें तो डायरेक्टली कर लेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन देखो,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, थ्री कॉलम बनाना बताए थे, क्वांटिटी, कॉस्ट, आईपी। क्वांटिटी केसेस में है ना, अब एक भी मैं नया पॉइंट इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हमारे बस में नहीं है, जितना आपने सीखा उसी को सिखाना है। गुड सेंट, बोलो बेटा गुड सेंट। 100 केसेस, कॉस्ट पता नहीं है, आईपी पता है कितना, 10,000। कॉस्ट में कैलकुलेट कर देता हूँ, आईपी कितना है बेटा, लेस लोडिंग 1/4 ऑन आईपी, बोला है ना 1/4 ऑफ 10,000, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरी वेरी गुड। उसके बाद कंसाइनर का खर्चा, क्या नाम है कंसाइनर का, लीला एंड कंपनी, कितना खर्चा, 600। तो 100 केसेस का कीमत 8,100, 10,600 प्लस नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सीला कंपनी। देखो तो सीला एंड कंपनी का क्या क्या खर्चा है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डॉग ड्यूस, वो पानी के थ्रू समुद्र के थ्रू सामान उमान भेजा होगा कोलकाता से बॉम्बे, तो वो और क्या कुछ खर्चा दिए ही नहीं है, तो कितना रुपया हो गया, दोनों को ब्रैकेट में बोलना, एक एक आइटम बोलो, 1,200 कितना हो गया बेटा, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हो गया ख़त्म, लॉस तो है नहीं, नेक्स्ट सम से लॉस आएगा। 100 केसेस का कॉस्ट आईपी, सेल कितना कर दिया, सोल्ड नहीं चाहिए हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक 20, तो कॉस्ट कितना आएगा, 9,300, 100 केसेस का है 1,860, 11,800, 100 केसेस का है 2,360। अब इन द बुक्स ऑफ मालिक, कौन है मालिक, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, इसे जनरल फुली लिखते हैं ना, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और एकदम पेटेंटेड एक ही टाइप से काम होगा हर एक सम में, इसलिए समझने के बाद आसान लगता है। देखो तो कितना तारीख को माल भेजा आपने, 1 जनवरी 2017 टू गुड सेंट, आईपी में लिखते हैं ना, आईपी कितना है, ये तो महापाप कर दिया आपने, बाई गुड सेंट, लोडिंग, वेरी वेरी गुड। मेरे को तो याद हो गया यार, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, जब हम पढ़ते थे कुछ समझ ही नहीं आता था, आप लोग का हाल वैसे तो नहीं जैसे मेरा था, हम तो छोड़ छोड़ के जाते थे कंसाइड में, घुसते ही नहीं था, अब लग रहा है कि कितना आसान है, अब कुछ नया है नहीं, अब मेरा खर्चा आपका खर्चा सेल और कमीशन और क्लोजिंग स्टॉक ख़त्म। तुम लोग आने के बाद अकाउंट्स बिकम सो ईजी यार, इवन आई स्टार्टेड फीलिंग कम्फर्टेबल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतना अच्छा से आप लोग कर रहे हो अकाउंट्स, उधर विद्या है शक्ति इधर आ रहा है। बोलो बेटा खर्चा क्या है ना, डेट वेट दिया है क्या, तो सेम डेट ही जब भेजेंगे तो आज ही तो करेंगे ना, टू बैंक, छोटा छोटा नरेशन लिखना एकदम छोटा छोटा, लाइक डैश एक्सपेंसेस, बोलो बोलते चलो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट खर्चा है क्या, कितना तारीख को सीला ने खर्चा किया, 1 जुलाई 17 टू
एक्सपेंसेस ना, और क्या किया सीला ने? पैसा दिया क्या? दिया ना, पैसा मिलने का एंट्री होता है बैंक टू सीला, कितना? ये तो बिजनेस के लिए इनकम भी नहीं है, एक्सपेंसेस भी नहीं है। जब सीला का लेजर बनाएंगे तब वहां दिखा देंगे, डन। नेक्स्ट, सेल किया, कितना तारीख को सेल किया? फर्स्ट बाई सीला एंड कंपनी सेल 10,500। फिर और क्या है? कमीशन। तो 1 अगस्त को ही कमीशन दिखा दो, जिस दिन सेल होगा उसी दिन के हिसाब से तो कमीशन होगा ना। कमीशन, कमीशन यही दिखा देता हूँ मैं डायरेक्टली, बड़ा रहता तो वर्किंग नोट बनाते। बोल बेटा, 8%, ओके, 5% ऑफ 10,500। नेक्स्ट, बच गया खत्म। स्टॉक दिखाएंगे, कुछ डेट वेट दिया है क्या? आगे कोई डेट दिया है क्या? कोई बात नहीं, 1 अगस्त को ही दिखा देता हूँ मैं। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट 1 से आईपी में स्टॉक दिखाएंगे, कितना? 2,360। फिर वो गुस्सा हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व बना देंगे 2,360 माइनस 1,860 500। सो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 2,360, गुस्सा हुआ, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 500। अब देखो प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, कर देते हैं और ख़त्म सम। भाइयों को मज़ा आता है टोटल करके बोलने का, बोल भाइयों। डन। और एक लेजर बनेगा, किसका? दिमाग में लगाना, छापना। इधर दो बार सीला एंड कंपनी है ना, बाय कंसाइनमेंट 1,200, बाय इधर भी एक बार है टू कंसाइनमेंट, कितना? और 4,000 पहले दे दी थे ना वो, तो क्या होगा? बाय बैंक। डेट देख लेना, डेट जो है वही करना, 4,000। बाकी का पैसा वो दे देगी ना, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। फोर सेवन सेवन फाइव। प्रिया रानी समझ में आ रहा है बेटी? रिया नहीं, जी हाँ समझ में आ रहा है। और बेटा कैलकुलेशन है, 10,500 का माल बेचा, ज़्यादा तो कुछ ताम झाम नहीं है, अपना खर्चा काटेगा, माइनस 1,200 खर्चा काट लिया, अपना कमीशन काटेगा, माइनस 525 कमीशन काट लिया, तो 8,775 पाएंगे। 4,000 तो पहले दे दिया था, 4,775। जितना क्लियरिटी आज मेरे के उतना क्लियरिटी आपके पास अभी हो रहा है? पक्का? तो सच्ची तो ऐसे नहीं कि वन साइडेड हो जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन एक बवाल था मैनेज्ड, ये एक बवाल है मैनेज्ड। अब एक अगली बारी आएगा NPO, बिग सम्स, टफ नहीं है क्योंकि निचोड़ तो पहले ही देंगे, बट एक एक सम करने में एक एक घंटा लग जाता है, तो वो तकलीफ है और कुछ नहीं है।
कंसेप्ट तो तकलीफ होने नहीं देंगे, सम्स में तकलीफ होता है बड़ा बड़ा। दिस इज डन, हो गया सम। एनपीयू टफ नहीं होता है, बोर लगता है, डेढ़ पेज का सम हो जाता है और हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, करेंगे भी नहीं, बट नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है कि एकदम पेटेंट है क्वेश्चन नंबर 4 देखना मत, क्योंकि देखेगा तो 80 से ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं और आप लोगों तो 90 वाले लोग हैं, तो मेहनत भी बहुत करेंगे, लिखवाएंगे भी, छोड़ना है, कैसा है दुनिया बताओ, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड होते नहीं है। छाप 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 छाप, जल्दी छाप बेटा, आज मेरे को 2-3 सम करवा लेते तो मज़ा आ जाए, होलसेल में होमवर्क भी दे पाऊँ, कल सुबह ही क्लास है। हाँ तुम लोग को तो 7 दिन चल रहा है, इस संडे को मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, कंबाइन बैच, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमेशा 4 नंबर का आता है, एक दिन कंबाइन पढ़ा के देखते हैं, याद कराऊंगा, याद नहीं होगा तो बोल देना, फिर नेक्स्ट टाइम से अकेले पढ़ाएंगे, रटाना है रटाना। हिमाली तो एकदम शेरनी है, बीमार है फिर भी आती है पढ़ने के लिए, कोविड वगैरह का टेस्ट करवा लिया ना, अरे कर लो या नहीं तो फिर हम सब बंद हो जाएंगे। डर ही लगता है नहीं सब टेस्ट करने में, और नहीं करने से हम लोग को डर लगता है। ट्रीटमेंट कर रही हो? अच्छा से ट्रीटमेंट करो। इस बिटिया का नाम ही भूल जा रहे हैं। आज तक सो स्वीट नेम। कल शॉक्ड हो गया, सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, एक बच्चा पढ़ रहा है, मैं बोले ये क्या हो गया, फर्स्ट बेंच तो बड़ा सीरियस बच्चे लोग होते हैं, सच्ची थक गया था तुम लोग, वीडियो लगता है कम दिखाया था कल, वीडियो नहीं दिखाया था तुम लोग को, आज तो ठीक है ना, आज भी सुबह से आए हो क्या, आज और क्लास है ना मेरे बाद, भागना मत यार मैथ्स क्लास में। मैथ्स का क्या पोजीशन है, क्या लग रहा है, खत्म तो सभी होगा, जल्दी तुम लोग को भगाना चाहते हैं कि आप लोग रिवाइज वगैरह करो, फुल फ्लेज 12-16 घंटा पढ़ो, कब होगा खत्म, 30 तक हो जाएगा, वेरी गुड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या पता दिसंबर भी एग्जाम लेट हो जाए तो, अच्छा है ना खराब है, बहुत खराब हो रहा है एग्जाम जितना लेट हो रहा है, क्योंकि वो लोग ना डैश लोग है, इंटर में फिर वही टाइम पे एग्जाम ले लेता है, तो इंटर में 6 पेपर आ जाएगा, टाइम कम मिलेगा, चिट्ठी लिखो सर आप लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी 1 महीना लेट हो गया ना तुम लोग का, तो 1 महीना में तो पता है एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है इंटर का, खुशी नहीं होना सिंगल, हाँ दुख होना क्योंकि इंटर का समय कम जाता है, बेटा हो गया कंसाइनमेंट, सर आपका हैंडराइटिंग भी समझ समझ के लिखना भी, वो भी बहुत बड़ा बात है, या वायलिन अब क्या करो, उपाय नहीं अब मैनेज करो,
जो व्रत कर रहे हैं उनका आज लास्ट है ना, कल सुबह से धीरे धीरे, अभी कितना दिन तो खाने नहीं सकेंगे ना, मतलब कुछ दिन तो प्रॉब्लम होता है ना, कुछ दिन तक का, कितना दिन तक, 4-5 दिन है हेल्थ का है ना, फिर बहुत तकलीफ़ होता है ना कल से, मतलब जो व्रत करता है उनको, और जो ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्या, शुरू का 2 दिन तकलीफ होता है ना, वो तो बोले थे ना खुआ का पानी वही, हाँ मंदिर के बाहर का भी नहीं रहा था, हमारे बिल्डिंग में भी किए हैं लोग, फिर स्टूडेंट लोग भी करता था, तुम लोग एज का बच्चा लोग भी करता है ना, हाँ पहले 11 हाँ ओके क्या था क्या, पहले स्टूडेंट के पास जाते भी थे, वो लोग बुलाते थे लास्ट डे जिस दिन होता था ना, तो भी जाते थे, कितना तकलीफ लगता था देख कर। ऋषभ को कहाँ छोड़ दिया, हाँ घर पे, इससे पूछ रहे, ये भी जानती है, अरे कंसाइनमेंट डन, ऐसे एक टेम्प्रोरी एंट्री लगा देना बैंक टू सीला, कहीं पे लिख के रख देना ऐसे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पटवारी कहाँ पे, ओके उसी के लिए दोनों कर, हाँ यस यस से बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ लीला एंड कंपनी, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सीला एंड कंपनी, ये कॉस्ट कोई जानना चाहे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट,
Arnaz done? That side? Last been done? चलो बेटा एक सम कर लिया, और नाइकी स्पोर्ट्स पे चलते हैं। P4 आवाज नहीं, कौन सा सम लिए थे? P4 RTP का वो एक वो दिए थे क्या ग्रुप में, रिवीजन टेस्ट पेपर दिए थे क्या, और क्वेश्चन पेपर भी दे दिए थे ना, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आंसर तो दे ही दिए थे, तो क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, हो सके तो RTP का करते रहना, चैप्टर वाइज रहता है उसमें हेडिंग लिखा रहता है, ये चैप्टर RTP भी करना, जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग खुलेगा, कि आप में से किसी ना किसी को 100 में 100 के लिए ट्राई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 शूज ऑफ एडिडास कंपनी टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1500 इनवॉइस 2000। तो कंसाइनर कौन है बेटा? नाइकी स्पोर्ट्स कंसाइनर है, कंसाइनी कौन है? एडिडास। और माल कितना भेजा? 100। कॉस्ट कितना है? 1500। आईपी कितना है? 2000। कंसाइनर पेड 10,000 फ्रेट इंश्योरेंस, तो फ्रेट इंश्योरेंस पे किया ड्यूरिंग ट्रांजिट। 10 शूज वेयर टोटली डैमेज्ड हो गया, बोल देगा नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस, नहीं बोलेगा तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बोल देगा तो ये एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो 100 शूज भेजा, 10 तो गया, तो बचा कितना? 90। एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज, रिमेनिंग शूज कितना होगा? 90 लिख देना। Paid 1530 for octroi duty. Adidas company sent bank draft to Nike Sports 50,000 advance. अभी बताए थे आप लोग को एडवांस मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू Adidas, ठीक है, इधर भी शायद लेजर ही मांगेगा इसलिए इसका एंट्री लिख के रख दो, बैंक टू Adidas। लेटर ऑन सेंट अकाउंट सेल 80 शूज बेच दिया एट द रेट 2200। वाओ 2200 में बेच दिया, तो बेटा 100 भेजा था, 10 गया, 90 मिला, 80 बेच दिया, तो अभी भी कितना बचा है गोडाउन में? 10। वेरी वेरी गुड क्लोजिंग स्टॉक। एंड कितना में बेचा? 2200। मालिक कितना बोला था? 2000। मालिक खुश है, आपको इनाम भी मिल सकता है, इंतजार करो। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास गो डाउन रेंट, तो गो डाउन रेंट तो एक्सपेंसेस है जिया रानी, पर स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आएगा, ठीक है? ओके,
एडिडास कंपनी 5% ऑन आईपी, आईपी पे 5% देंगे और 25% ऑफ सरप्लस ओवर आईपी, तो आईपी से ऊपर जो जाएगा उस पे 25%। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, रिलेटेड वर्किंग नोट्स। तो बेटा दो लेजर बनाना है और दो वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट मैं हमेशा पहले बनाता हूँ, आप लोग भी कोशिश करना। ये वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। बेटा आप लोग मालिक हो, आप लोग 2000 रुपया में माल बेचने के लिए बोले हो, कितना में 2000, और बोले हो कि 2000 से ऊपर जाएगा ना उस पर 25% सरप्लस, मतलब ऊपर 2000 से ऊपर जाएगा, 2000 से ऊपर जाएगा तो 25% हम लोग कमीशन देंगे एक्स्ट्रा, डन। तो कितना में बेचा उसने, 2200 में, तो 2200 मतलब कितना रुपया एक्स्ट्रा, 200। याद है ओवरराइडिंग सिखाए थे, कल भी सिखाऊंगा आप लोगों को। कमीशन 5% ऑन आईपी, नॉर्मल कमीशन कौन सा प्राइस पे मिलेगा, नॉर्मल कमीशन आईपी पे। आप जो माल बेचे हो उसका आईपी पे नॉर्मल कमीशन और एक्सेस प्राइस पे ओवरराइडिंग कमीशन, है ना। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन दिखा रहा हूँ मैं। सेल्स कितना किया, सेल्स, सेल्स कितना केसेस बेचा बेटा, 80, कितना रुपया करके 2200 करके ना, 80 × 2200, 1 lakh लेस आईपी, आईपी कितना होगा 80 का, 80 × 2000, 1 lakh 60,000। तो सरप्लस कितना हो गया, सरप्लस, सरप्लस ओवर आईपी कितना बेटा, 16,000। समझ में आया बेटा। अब ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन का लैंग्वेज पढ़िए, आईपी पे, तो आईपी कितना है 1,60,000, उस पे 5% और ओवरराइडिंग कमीशन ऑफ सरप्लस 4,000। बेसिक्स का काम आ गया, काम क्लियर है, कोई डाउट पक्का उधर, क्लियर है। और बताओ अंजलि रानी, एक बार और चाहिए। 2200 में माल बेचा, आप तो 2000 में बेचने बोले थे, तो हम लोग सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। सरप्लस अनाज बेटी ध्यान दो, बेटा ध्यान दो बोर्ड पे, 16,000 सरप्लस है, 16,000 सरप्लस है, 16,000 सरप्लस, 2000 का माल 2200 में बेचा, तो सरप्लस पे छप्पर फाड़ के कमीशन और आईपी पे नॉर्मल कमीशन, क्लियर है। ओवरराइडिंग बहुत टेक्निकल होता है, उसको एकदम संभल के, ये एक वर्किंग नोट करना होता है। वर्किंग टू करना होता है बेटा, इसमें एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रांजिट भी हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों एकदम वही फॉर्मेट, एकदम पेटेंटेड, बस आप लोग रिवाइज करना सारे एग्जाम्पल, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इतना टफ चैप्टर के सम सारे आप कर पाओगे। सूज है ना, क्या क्या लिखा, सूज ही लिखा है, नंबर्स क्वांटिटी क्या लिखा है, सूज ही लिखा है ना, ठीक है सूज ही लिखते हैं। गुड सेंट, देखो तो कितना सूज भेजा, कॉस्ट क्या दिया है बेटा, कॉस्ट बता दिया, 1.5 लाख क्या, आईपी क्या बोला, ये गुड सेंट। अब कंसाइनर का खर्चा प्लस करते हैं, क्या नाम है कंसाइनर का,
दो तीन खर्चा किया है ना, बोलो 10,000 क्या चीज का खर्चा है? भाड़ा 1,500, रास्ते का इंश्योरेंस 11,500, अब 100 शूज का कीमत 1,61,500, 2,11,500, अभी कंसाइनी का खर्चा जोड़ना नहीं है, रास्ते में लॉस हो गया, हो गया ना, रास्ते में लॉस हो गया, इसलिए लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, कितने लॉस हो गए? 10. वैल्यूएशन करेंगे इसका, 161,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 1,6150, तो वो कंसाइनी को 90 सूज मिलेगा, 1,45,000. अब चलो कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ, देखो तो उन्होंने क्या खर्चा किया, वो मालो लाने का ड्यूटी टैक्सेस कुछ है 1,530, और कुछ खर्चा है, और खर्चा पढ़ लो कुछ है तो खत्म, 90 का कॉस्ट 1,46,19,80, सोल्ड कितना माल बेच दिया वो मतलब नहीं है हम लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है, कितना 10 से डिवाइड करके आंसर निकालो, 1,46,880 बाई 90 इंटू 10, 1,53,320. गुस्सा होएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, स्टॉक रिजर्व बना लूंगा, डन। सीपीटी में इसको शॉर्टकट, सीपीटी में स्टॉक रिजर्व पूछता था तो उन लोगों, सीपीटी का तो खोखला होता था, अंदर कंसेप्ट होता नहीं था, शॉर्टकट क्या करते थे, ऐसे करते थे, 1,500 का माल 2,000 में भेजा तो एक यूनिट पे कितना 500, 10 बचा इंटू 10, 5,000। अगर मेरे को सीपीटी पढ़ाने मिलता, स्टॉक रिजर्व पूछता, टन से निकाल रहे, क्या 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 रिसर्च कर देते थे, स्टॉक रिजर्व खत्म, स्टॉक रिजर्व। अब आप लोग वो नहीं सिखा सकते, खोखला था वो, कैसे आया क्या, छोड़ो बस ऐसे कर लो, टिक मार के करना था। कमल सर बहुत लकी है, कमल सर खूब शॉर्टकट मारते हैं, मैं क्या शॉर्टकट मारता था ना, 30-40 क्लास में अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाता, 3 महीने में 2 बार सिलेबस खत्म कर देता था, 3 महीने में 2 बार, पहले तो 3-3 महीने में एग्जाम होता था ना, फिर 6-6 महीने पे हुआ, ऐसे कर, इतना बड़े बड़े सम्स को हम लोग कैलकुलेटर में उतार लेते थे, अकाउंट्स का तो हम डैश कर दिया था सीपीटी वाले ने, और इंटर में आके रोना पड़ता था, इधर तो पास हो ही जाता था, इंटर में तो एकदम उला लाला। अब क्या होता है ना, इंटर का अकाउंट्स इतना आसान लगता है, इतना आसान क्या बोलूँ आपको, क्योंकि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये सबको देख कर मेरे को हंसी भी आता है कि क्या किए थे 5-6-7 साल हम लोग, जब ससांग लोग पढ़ता था तब कहीं था शायद, कैलकुलेटर में करते थे। कंसाइनमेंट अकाउंट तो 6-7 साल बनाया नहीं, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस चाहिए था कैलकुलेटर में, अकाउंट्स तो एकदम डैश कर दिया था, बस ये इंस्टीट्यूट बहुत खराब सिलेबस किया था। मैथ्स में वही होता होगा ना सर, कैलकुलेटर उड़ाते हो गए ऐसे 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 आंसर आ गया, चलो जाओ छुट्टी। शॉर्टकट मैथ्स टफ है, मैथ्स तो टफ है ही नहीं, तो अच्छा होता तो हम इंजीनियरिंग कर लेते ना, इजी भी होने से आप लोगों को खराब लगेगा। शॉर्टकट होता है ना मैथ्स में, क्या
ओके ठीक है, कुछ नहीं, चलो अच्छा बात है, सबका अलग अलग टेक्निक है। चलो चलते हैं उसके घर, इन द बुक्स ऑफ क्या डे सर, डेट वेट है क्या, डेट नहीं है ना एकदम लेजर, तो याद होने लग रहा है ना धीरे धीरे अब तो। यस वेरी गुड, ये मैं चाह रहा था कि याद हो जाए आपको पूरा। अब बोलो गुड सेंट होता है ना, टू गुड सेंट 2 लाख बाय गुड सेंट लोडिंग 50,000। नेक्स्ट अपना खर्चा होगा बेटा, टू बैंक क्या क्या खर्चा है नाम बता दो, फ्रेट, फ्रेट कितना 10,000 बोला था, इंश्योरेंस 500। जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा पढ़ते चलो मैं करते जाऊंगा, फिर डैमेज्ड एबनॉर्मल लॉस, ये देखो एबनॉर्मल लॉस का 3 एंट्री, वो इंश्योरेंस तो मिले ही नहीं ना, नहीं मिला, कहीं तो इंश्योरेंस होना चाहिए था, देखो तो नहीं है ना, ट्रांजिट इंश्योरेंस से होना चाहिए था, स्टडीमेट का क्वेश्चन एक बार चेक करना आप लोग, होना चाहिए था, कोई बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे क्या है, कॉस्ट देखो बोर्ड पे, कॉस्ट क्या है, लॉस इन ट्रांजिट का कॉस्ट कितना है 1615। एक काम करो आप लोग ना, पहले ये वर्किंग करो नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे आप लोग, आप लोग अंदाज से जगह छोड़ दो, 70% ऑफ पेज छोड़ दीजिए, 70% में दोनों हो जाएगा, सेम पेज में नीचे कमीशन कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन,
नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एडिडास एंड कंपनी, ये डन। अब आप लोग बोल पाएंगे, बोलिए क्या हुआ था नेक्स्ट। लॉस इन ट्रांजिट हुआ था ना, तो लॉस इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट कॉस्ट पे दिखाएंगे बेटा, आईपी में दिखाएंगे, फिर लोडिंग हटाना पड़ेगा। कितना? 161 16150। और कुछ क्लेम वगैरह मिला है क्या? नहीं मिला तो पूरा लॉस हो जाएगा। PL अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट, पूछा नहीं है फिर भी मैं लॉस इन ट्रांजिट का सेल्फ नोट पे आपको करके दिखाता हूँ। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट कितना? 161। पैसा मिलता तो बाई बैंक लिख लेते हैं, और जितना नहीं मिलेगा कहाँ चला जाएगा? PL 16150। क्लियर है? तो कंसाइनमेंट से 16150 का कॉस्ट हटा देंगे। मैं चाहूँ तो आईपी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो आईपी लिखेंगे तो आप बोलोगे सर लोडिंग भी हटाओ, बाय लॉस इन ट्रांजिट वर्किंग टू से 16150 कॉस्ट। मैं चाहूँ तो आईपी भी लिख सकता हूँ, आईपी कितना है बेटा? 211। तो फिर यहाँ पे फिर से लोडिंग हटाना पड़ेगा, लोडिंग, तो लोडिंग कितना हो जाएगा ये दोनों का लोडिंग? वो 5000 ही होगा, वो तो आप लोगों को पता ही चल गया। तो आपको या तो आईपी में दिखाएंगे तो 21150 से फिर 5000 माइनस करेंगे तो 16150, तो डायरेक्टली यहीं से हम लोग कॉस्ट पे ही हटा देते हैं, कॉस्ट पे। आप आईपी में नहीं दिखाना, आईपी में दिखा देंगे तो आईपी में दिखाओगे तो लोडिंग भी हटाना पड़ेगा, तो उसे डायरेक्टली कॉस्ट पे दिखा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन या सारा खर्चा आएगा? अरे एजेंट का खर्चा आएगा ना, बोलो क्या नाम है एजेंट का? एडिडास इन कंपनी क्या क्या खर्चा किया है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितना? 15। और रेंट 2000। कमीशन भी इधर ही दिखा देता हूँ, वर्किंग वन से कितना लाए हो? 12,000 15,513। और भाई क्या सेल वेल नहीं करेगा क्या भाई? एडिडास एंड कंपनी सेल 80 केसेस बेचा है ना 2200 में, 1,70,000 है ना, अब तो ख़त्म। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग टू से कितना आया था स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? 21320। टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग 5000। और कुछ है क्या? देखो तो होते ही नहीं है कुछ इसमें, तो अब कुछ बचे ही नहीं, कभी भी नया आइटम नहीं आएगा, कुछ उठाएगा देखो ना। वो एडवांस दिया, एडवांस का तो एंट्री बता ही दिया ना, बैंक टू एडिडास, एडिडास में आएगा। चलो चलो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आप आइए कुछ बोलना चाह रहे, बोलो।
कितना 2000, देखो तो खर्चा लिखा है ना, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का है, रेंट, तो बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में तो सारा खर्चा आता है, स्टॉक वैल्यूएशन पे ओनली दुकान पे लाने तक का खर्चा, पीएल अकाउंट में तो सारा खर्चा आता है, पीएल अकाउंट में सारा खर्चा आता है, स्टॉक वैल्यूएशन में ओनली कौन सा खर्चा आता है, नॉन दुकान में लाने तक का खर्चा, बोलो बेटा क्या है, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट लॉस बताओ, 31,440, हाँ ये गुड़िया सोच रही है कुछ, बोलो नहीं आया तुम्हारा, रेंट 2000 नहीं दिया क्वेश्चन में, देखो तो, देखो तो कहाँ रेंट है, ओके एक्सपेंस इनकम एडिडास गो डाउन रेंट 2000 और ऑक्ट्राय भी दिया, डन, मिला ही नहीं, भीड़ में खो गया, वायु को भी नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, आइए डन, समझ में आ गया, अब और क्या लेजर मांगा है, एडिडास, दिमाग नहीं लगाना, छप्पू राम लोग छापेंगे, जैसे कंसाइनमेंट में टू एडिडास है ना, एडिडास में बाई कंसाइनमेंट ये कितना 15,530, क्या आएगा बाई कंसाइनमेंट 15,530 और इधर आया था बाई एडिडास टू कंसाइनमेंट, देखो तो एडवांस दिया था क्या उसने बाई बैंक, और लास्ट में क्या बोला, पैसा दिया ना नहीं दिया, लास्ट लाइन लिखा होगा, देखो रेमिटेंस वैसा कुछ लिखा है, पैसा वैसा दिया, बैंक ओवर बैंक ड्राफ्ट 50,000 एडवांस, लेटर ऑन सेल्स अकाउंट सेल्स 80 सूज बेचा, एक्सपेंसेस दिस, एडिडास एंटाइटल कमीशन दिस, सेलिंग प्राइस कुछ नहीं बोला, तो एज्यूम कि वो रेमिटेंस कर दिया, एज्यूम करेंगे कि उसने रेमिटेंस कर दिया बाकी का पैसा बाई बैंक, बैलेंसिंग फिगर एज्यूमिंग पेड, वो पैसा दे दिया, अरे कंसाइनमेंट तो यही होता है, सेल करके अपना खर्चा कमीशन काट के पैसा दे देगा, एडवांस भी दे दिया तो माइनस करके दे देगा 110,470। अब मैं जितना भी सम करूँ ना ऐसे ही मिलेगा, इसलिए अब दो सम करने के बाद आपका दिमाग खुल गया होगा, तो अब आप लोग को भी करने पड़ेगा ऐसा सम्स, छाप लो, सिमरन दिमाग खुला है ना, और खोलना है, हाँ खुल गया, ओके पहले से खुला था क्या, ठीक है, मैं कोशिश की आज खोलने का, एग्जाम्पल भी तो बहुत किया था ना, दो तीन तो एग्जाम्पल कर ही लिया होगा हम लोग, हिमालय को प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ना, हिमालय को श्वेता गई देखने के लिए, स्टूडेंटों की वह प्रॉब्लम है, इसे पूजा कोई दियो साबो करने,
श्वेता क्या हो रहा है उसको? ओके जिया रानी, कंसाइनमेंट डन, दैट साइड ब्रदर्स, कंसाइनमेंट डन, नॉट डन, कंसाइनमेंट के बाद एडिडास एंड कंपनी बनाना। सेल्फ नोट पे एब्नॉर्मल्स का एंट्री भी कर लेंगे हम लोग, नॉलेज के लिए, पूछा नहीं है फिर भी, कभी आगे पूछेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। ये सीएमए सिस्टर्स देखा कंसाइनमेंट में क्या क्या है, देखा सिलेबस में सब कुछ है, फुल ओवरराइडिंग वगैरह सब कुछ है ना, आईपीसीपी बुक लाई हो? सीएमए का बुक लेके आना ना, हम भी देखते रहेंगे क्लास में। छोड़े ये बैंक बैलेंसिंग फिगर एज्यूम पेड अमाउंट ड्यू इज पेड, मान लिया। अब मुकेश बेटा बोले नहीं पेमेंट किया तो बैलेंस आ जाएगा, बाद में ले लेंगे, बट हमेशा पेड ही मान लेना, समझ गया? कुछ भी मान लो, बैलेंस भी छोड़ दो, बाद में दे देगा, बट पेड ही मान लेना, तो एकदम सिस्टम मेंटेन रहेगा। बेटा लॉस इन ट्रांजिट का ऐसे ही एक बार सेल्फ नोट पे लिख लीजिए, लॉस इन ट्रांजिट, सिंस इंश्योरेंस किया था क्लेम मिलना चाहिए था, पता नहीं है क्यों नहीं लिखा, स्टडी मैट पे एक बार मिला लेना, इंश्योरेंस हुआ था ना तो क्लेम आना चाहिए था इसका।
बना लो ना। डन हो गया सबका? आओ चलो आगे बढ़ते हैं। P5 होमवर्क स्टडी मैट पे होगा, देख लेना। हाँ होमवर्क कर समय स्टडी मैट से देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन स्टडी मैट से होगा। P1 स्टडी मैट पे है होमवर्क। P1 एक ही क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्री मांगा इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो वाई के घर में सीखे हैं क्या हम लोग अभी? नहीं, तो वाई का छोड़ देना आप लोग, एक्स के घर में जर्नल करना और फिर लेजर भी करना। वाई के लिए जगह छोड़ देना, हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट, अभी देरी है सीखना। तो वन होमवर्क दे दिया, स्टडी मैट से है 3 डन, 4 डन, 5 होमवर्क दे दिया, शायद ये भी स्टडी मैट से ही है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पे एग्जाम्पल करवाए थे क्या? नॉर्मल लॉस नहीं कराए थे? नेक्स्ट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन पे था ना। P6 होमवर्क, कितना होमवर्क हो गया? कल सुबह ही क्लास है। नंबर 18 पे 10 नंबर के लिए आया था, देखो ना। राजव ग्वालियर कंसाइन 15,000 केजी ऑफ घी 30 पर केजी, तो कॉस्ट निकालने सक जाएंगे 15,000 इंटू 30। एजेंट सिराज ही स्पेंड 5 पर केजी फ्रेट एंड इंश्योरेंस, पर केजी 5 रुपया, तो 15,000 केजी का फ्रेट इंश्योरेंस निकल जाएगा ना। On the way, 100 kg घी was lost due to leakage, treated normal. तो सिखाए थे ना एक दिन स्टॉक वैल्यूएशन लेस नॉर्मल लॉस में 100 kg कम कर देंगे, वैल्यूएशन नहीं करेंगे। फिर एंड 400 kg destroyed in transit, तो फिर लेस abnormal loss in transit भी बताए थे। 9,000 paid to consignor directly by insurance company, ये भी बताए थे। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। 7,500 केजी ऑफ 60 पर केजी सोल्ड, ये तो सक जाएंगे। 33,000 एडवर्टाइजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रिपेयर कंसाइनमेंट। 10 नंबर के लिए नवंबर 18 पे आया था। बेटा मैं स्टॉक वैल्यूएशन कर देता हूँ, बाकी का आप लोग कर लेना, ठीक है? मैं कर दूँ स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक दोनों आ जाएगा, तो आंसर 1, 2 एक साथ आएगा। वर्किंग नोट नहीं है इस बार, क्या है मेन आंसर? 1 एंड 2। क्या पूछा है 1 एंड 2 में? बोलना बेटा, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक एट द एंड। आईपी है नहीं, सीपी है, तो गुड सेंट ओनली क्वांटिटी आएगा और कॉस्ट। बोलो बेटा गुड सेंट कितना केजी?
15,000 केजी और 1 केजी घी का कीमत तुम क्या जानो सिंगल बाबू? सिंगल बाबू नहीं जानते, ठीक है। 4,50,000 प्लस किसका खर्चा? एक्सपेंसेस ऑफ बोलो बोलो, क्या डाउट है? किसका, कौन सा एग्जाम का? तो डेट तो पहले से था, दिसंबर। हाँ, और लेट कर दिया। अकाउंट्स होता है पहला दिन, नेक्स्ट शायद लॉ होता है, फिर इको, फिर मैथ्स, यही होता है ना। बोलो बेटा, तो क्या बात है, मोबाइल क्यों निकाला क्लास में? वाई यूजिंग मोबाइल इन क्लास? जो मोबाइल खोल के रखा उससे पूछ रहा हूं मैं, सिंगल कैसे पता चला क्लास ये आया? यस, आप लोगों को पता है ना मोबाइल अलाउड नहीं है क्लासरूम में, एकदम स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। सिंगल कैसे पता चला आपको ये आ गया वो जो? हाँ, क्या क्या मैं तो घड़ी भी खोल के रखा करो, नहीं तो खोल के मैं रख लूंगा एग्जाम तक। मेरे नॉलेज पे है कि इस क्लास में कोई बच्चा मेरे रहते मोबाइल नहीं निकालता है। आप निकाल रहे हो तो आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, तो फिर रेडी फॉर डैट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। सिर्फ स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के रहो, अभी सीए मत बनो, टाइम लगेगा। अभी सीए बन जाओगे तो सीए बनने में टाइम लगेगा। मैं इतना सीरियस टॉपिक सिखा रहा हूँ, वो लोग मोबाइल खोल के अपना शेड्यूल देख रहा है। बीकॉम और क्लास 11-12 का कोई 11-12 में मैं अलाउ नहीं करता, सीए में तो और नहीं करूँ। बोलो बेटा, अरे राज का खर्चा है ना, कितना? 15,000 × 5 तो 15,000 केजी 5,25,000 लेस नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, कितना? नो वैल्यूएशन, तो कितना हो गया बेटा? 14,900 का 5,00,000 लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, कितना? 400, तो 5,25,000 14,900 का इंटू 400 का, तो कितना बचा? 5,10,906। चलो अब देखो, यहाँ माल पहुंच गया, अब कंसाइनी का खर्चा देखिए, क्या है कंसाइनी का खर्चा? कंसाइनी का लाने का खर्चा दिया है क्या? नहीं दिया है? नहीं, वो तो नहीं आएगा ना, हो गया ना खत्म। तो चलो क्लोज कर देते। सोल्ड कितना है? सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन तो कर ही लेंगे, 5,10,906 × 14,500 × 7,000 डन। तो आंसर वन क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे 1,409, ऐसे एकदम प्रॉपर। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 1,409,4। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड 2,46,644 और इसका अकाउंटिंग तो आप लोग को अभी अभी सिखाई दिए। और फिर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ओनली कंसाइनमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन 5%। कंसाइनमेंट अकाउंट तो सखी जाएंगे, अब कुछ छूट जाएगा तो बता देना हाँ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन दिखते ही नहीं, एक बार पढ़ते हैं फिर आप लोग के भरोसे रहते हैं।
आप लोगों को मन है तो ये कॉपी कर लीजिए, ये आंसर 1 एंड 2 है, ये वर्किंग नोट नहीं है, इस बार 1 एंड 2 है। छाप लो, पेन उन रख लिया था क्या होमवर्क देखकर? क्या पियूष ट्यूशन उशन है क्या अभी? पियूष ओके, जाने को मन कर रहा है घर? बस बेटा 5 मिनट। पियूष नाराज हो रहा होगा, बैग पैक कर लिए थे सर, आप फिर से पढ़ा दिए, प्लीज डोंट माइंड भाई, थोड़ा देर का बात है। ये बच्चा कुछ बोलता नहीं, सिर्फ हंसते रहता है। मुकेश जी बात नहीं करते क्या पियूष ज़्यादा? करता क्या? ओके संडे टेस्ट है एवरेज ड्यू डेट का, प्राइस मनी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि मेहनत भी कम है उसमें। नेक्स्ट संडे क्या डाल दिया? रेक्टिफिकेशन और इन्वेंट्री, उसमें हैवी प्राइस मनी 1000, तुम लोग के बैच के ही 1000 रुपीज़, इस बैच के लिए 1000 रुपीज़ प्राइस मनी है नेक्स्ट संडे वाला। आरटीपी से इस बार क्वेश्चन देंगे, पुराना आरटीपी भी प्रैक्टिस कर लेना, प्रेरणा मैट सीएमएट आरटीपी। एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर खोलोगे ना सब कुछ आता रहेगा आप लोगों को, बस ऑनेस्टली पढ़ते रहो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो डन, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का नहीं सिखाए थे क्या? नहीं सीखे थे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल था क्या सर? चलो भागो बेबो, काफ़ी है ना इतना होमवर्क, और ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कल थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, फिर परसों शाम, परसों तो संडे को तो थ्योरी है, इस बार मंडे के लिए रहेगा, तो कल अच्छा से पढ़ा के ज़्यादा दे देंगे। सारा सम्स रिवाइज करना घर पे, जितने सम प्रैक्टिस किए सारा रफ में रिवाइज करना। कंसाइनमेंट चैप्टर बहुत प्यार से समझ जाओ तो इजी है, नहीं तो बड़ा घटिया है। और 10 मार्क्स भी ना बहुत जल्दी से स्कोर हो जाता है, ज़्यादा है नहीं इसमें, है ना, इतना थोड़ा भी हो जाता है। और पार्टनरशिप में 10 मार्क्स के लिए तो 1.5-2 पेज जाना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं। हटाओ इसको नितेश बेटा, हटाओ दीपक बाबा, लेकिन प्रॉपर आंसर लिखना, जैसे आंसर 1 अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस दिस, ओके, और होमवर्क देने से गड़बड़ हो जाएगा ना। सुनो ना, इनवॉइस प्राइस 1,68,000 है, ये भी ले जाओ बेटा, लास्ट P9 10 नंबर के लिए 5-6 लाइन का सम है। इनवॉइस प्राइस 1,68,000 है, 20% एबोव कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो आईपी में क्या हो जाएगा? 1/6 ऑन आईपी, तो आईपी दिया है तो कॉस्ट बनाने सक जाएंगे ना। कितना लोडिंग हटाएंगे? 1/5 कॉस्ट पे है, लेकिन कॉस्ट तो पता नहीं है ना। 1/6 तो कितना हो जाएगा? 168 का 1/6 28, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट 1,40,000, कॉस्ट हो जाएगा 140, आईपी कितना है? 168। अब किसी को घर में बोलेगा नहीं मम्मी मारेगी, मम्मी तो 1/5 ऑन कॉस्ट बोली है, तो 1,40,000 पे डिवाइड बाई 5 कर दो तो 20 है, ठीक है ना। 14,000 फ्रेट इंश्योरेंस सक जाएंगे,
इन ट्रांजिट 50 बॉक्सेस लॉस, ट्रांसपोर्टर पेड 22,000 फॉर लॉस। अभी अभी हमने सिखाया था लास्ट क्लास, पहले भी सिखाया था क्या, लॉस इन ट्रांजिट का एंट्री सिखाए थे ना, अरे एबनॉर्मल लॉस टू लॉस इन ट्रांजिट, और इंश्योरेंस मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। द कंसाइनी टुक रिमेनिंग बॉक्सेस इनकर्ड 9750 कैरिज, लाने का खर्चा प्लस करेंगे ना, कितना मिला कंसाइनी, उठ सक जाएंगे, चलो नीचे। कंसाइनी सोल्ड 500 बॉक्सेस, 6000 सेलिंग, कमीशन 6%, सो ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट। और मार्क्स देखो 10 नंबर, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। एक स्टॉक वैल्यूएशन होता है और लेजर, और आइटम्स भी ज़्यादा नहीं है। इसको देख के सरप्राइज हो गया मैं, उसने होमवर्क दे दिया। नॉर्मल जुलाई 21 में आया था। इस कितना आसान आसान आता है, P10 भी होमवर्क। मैं तो ऐसे डरा दिया था तुम लोगों को, बहुत टफ टफ आता है। कितना होमवर्क निकल गया, छोड़े छोड़ दिया।